मेरा सबसे बड़ा मसला आजकल के करिकुलम में, मैं दीनी करिकुलम में भी कहता हूँ कि पढ़ाने वाले का एक्सपीरियंशियल नॉलेज कितना है। आपका उस्ताद पाकिस्तान में कमजोर होता जा रहा है। आप अपने टीचर्स की बका के प्रोग्राम्स गवर्नमेंट की तरफ से नहीं ला रहे, आप गांव देहात के टीचर का ख्याल नहीं कर रहे, और आप अपने दीनी उस्ताद की तो वैसे ही कदर नहीं कर रहे। द पॉइंट इज भाई के निसाब के अंदर मसले हैं, क्योंकि कल्चर जो है, एक तो उस्ताद जो है ना वो बात नहीं आ रही। उस्ताद के अंदर अगर कल्चर है, उस्ताद में बैलेंस है, उस्ताद में डाइवर्सिटी है, उस्ताद में तनव्वो है, उस्ताद में मुख्तलिफ जहतों के जो है उसका ग्रिप है, और उस्ताद जो है वो जंगे लड़ा हुआ आदमी है, तो वो तो फिर जब दीन पढ़ाए या दुनिया पढ़ाए, इंसानियत पढ़ा जाएगा उसको। मेरा सबसे बड़ा मसला आजकल के करिकुलम में, मैं दीनी करिकुलम में भी कहता हूँ कि पढ़ाने वाले का एक्सपीरियंशियल नॉलेज कितना है। उस्ताद अगर एक्सपीरियंस नहीं है, मुख्तलिफ जातों में रामा नहीं है, चारों सूबों में घूमा नहीं है, मुख्तलिफ जेहतों में से गुजरा नहीं है, तो वो असबियत ही पढ़ाएगा और क्या पढ़ाएगा, या वो कम दे देगा उसको जो हक था उस इबारत का। तो सिलेबस किस चीज़ का नाम है? इबारतों का, फ्रेजेस। फ्रेजेस आर टू बी एक्सप्लेन बाय अ टीचर। सो इवन इफ द फ्रेज इज नॉट अकॉर्डिंग टू द मार्क, अगर ऑक्सफोर्ड का सिलेबस हो या पाकिस्तानी सिलेबस, जैसा भी, अगर उस्ताद माठा है तो वो अच्छी से अच्छी किताब भी बर्बाद करके पढ़ाएगा, और अगर उस्ताद जबरदस्त है, दम वाला है, तो वो बिस्मिल्ला भी पढ़ा रहा, वो तीर भी चला रहा होगा ना, वो उसको जिंदगी सिखा देगा पूरी। आपका उस्ताद पाकिस्तान में कमजोर होता जा रहा है। आप अपने टीचर्स की बका के प्रोग्राम्स गवर्नमेंट की तरफ से नहीं ला रहे, आप टीचर्स की प्रेजर्वेशन के प्रोग्राम नहीं ला रहे, आप टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए जो है वो प्रोग्राम्स नहीं दे रहे, आप टीचर्स के डेलीगेट्स को बाहर नहीं भेज रहे, आप गांव देहात के टीचर का ख्याल नहीं कर रहे, आपने वही मास्टर रखा हुआ है और वही सिस्टम है, आप अपने उस्ताद की बका की और आप अपने दीनी उस्ताद की तो वैसे ही कदर नहीं कर रहे। मतलब 8 सब्जेक्ट्स में से 1 सब्जेक्ट इस्लामियत का, चलो ये भी तो आपके सेकुलर माशरे में हम हजम कर लेते, आप इस्लामियत जो है ना हमारे आदमी को दें, हमारे आदमी को दें, मतलब मदरसे के आदमी को दें। इसलिए मैंने मिद्रार बनाया था कि भाई आपको मैं दोनों दुनिया का कॉम्पोजिशन, मैंने तकरीर में आपको दोनों इम्तिजाज मिल जाएंगे। तो अगर आपने साइकोलॉजी पे बात करनी है, वेस्टर्न साइकोलॉजी पे बात करनी है, तो हम आपको अरस्तू, अफलातून ये भी पढ़ा सकते हैं, आपको इमाम गजाली इब्ने तैमिया भी पढ़ा देंगे। सो आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन टीचर्स। अगर मीरपुर खास में स्कूलों से ज़्यादा टीचर्स के प्रोग्राम रखे जाएँ, मेरे ख्याल से कौम बड़ी बचाई जा सकती। आपके उस्ताद और रब्बानी रूहानी उस्ताद तो मिलता ही नहीं है अब, जो पहले लोग हुआ करते थे जिन्होंने बहुत मेहनत से इल्म सीखा होता है, ये बहुत कमी है। तो मेरे ख्याल से सिलेबस का मसला नहीं है, उस्तादों की ट्रेनिंग का मसला है, और उस्तादों के डाइवर्सिटी का मसला है, मेरी नज़र ये कहती है।